जोहार जय मूल निवासी, मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MNTV। त्यागमूर्ति रामायण के जन्म जयंती के पर उनसे जुड़े प्रसंगों की हम चर्चा करेंगे। स्त्री और पुरुष जीवन चक्र के दो पहिए हैं। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के महापुरुषों का जीवन आज हमें प्रेरणादायी दिखाई देता है। उसके पीछे उनके परिवार का जो त्याग है, जो कठिनाइयों का सामना उन्होंने किया है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसकी याद भी जब आती है तभी आंखें भर आती है। संत तुकाराम महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत गाड़गे बाबा, लोकशाहीर अन्नाभाऊ साठे, इन सभी महापुरुषों ने अपने भौतिक सुखों का त्याग करने के बाद आज हमें जो अधिकार मिला, आज हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, हम हमारी सभी प्रकार की प्रगति कर सकते हैं। रामाबाई का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता भिखु धुत्रे वलंगकर और माता रुक्मिणी इनके साथ रमाबाई दाभोल के पास वरन गांव में नदी किनारे महारपुरा की बस्ती में रहती थी। उन्हें 3 बहनें और एक भाई शंकर था। रमाई की बड़ी बहन दापुली में रहती थी। भिखु दाभोल बंदर में मछलियों से भरी हुई टोपलियां बाजार में पहुंचाते थे। उन्हें छाती का दर्द था। रमाई के बचपन में उनकी माता का बीमारी से निधन हुआ था। माता के जाने से बच्ची रमा के मन पर बहुत आघात हुआ था। छोटी बहन गौरा, भाई शंकर बहुत छोटे थे। कुछ दिनों के बाद उनके पिता भिखु का भी निधन हुआ था। आगे वलंगरकर चाचा और गोविंदपुरकर मामा इन सब बच्चों को लेकर मुंबई के भाईखेड़ा बस्ती में चले गए। सूबेदार रामजी अम्बेडकर यह अपने पुत्र भीमराव अम्बेडकर के लिए वधू की तलाश कर रहे थे। वहाँ उन्हें रमाबाई का पता चला। वे रमा को देखने गए। रमा उन्हें पसंद आई और उन्होंने रमा के साथ अपने पुत्र भीमराव की शादी कराने का फैसला कर लिया। विवाह के लिए तारीख सुनिश्चित की। अप्रैल 1906 में रमाबाई का विवाह भीमराव अंबेडकर से हुआ था। विवाह के समय रमा की आयु महज 9 वर्ष की थी और भीमराव की आयु 14 वर्ष की थी। डॉक्टर अंबेडकर उस समय 5वीं कक्षा में अंग्रेजी कक्षा में पढ़ रहे थे। रमाबाई, जिसे सभी रमाई कहा जाता है, रमाबाई रमाई कैसे बनी यह जानकारी हम बाद में बताते हैं। आम महिलाओं जैसी, आम गृहिणी जैसी हमारी रमाई, उन्हें भी लगता था कि मेरा पति इतना बड़ा बैरिस्टर हुआ है, उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को अच्छा जीवन देना चाहिए। वो उनका अधिकार होता है, उन्हें वो मिलना जरूरी भी होता है। मगर मेरे साहब विदेश में पढ़ने गए, मेरे अछूत जातियों के दुख का कारण खोजने गए। इतनी वो प्रज्ञावान थी। वैसे रमाई पढ़ी लिखी नहीं थी। बाद में साहब के कहने से वो अक्षर ज्ञान लेना शुरू किया था। महिलाओं की मीटिंग लेती थी और उस मीटिंग में बाबा साहब का जो आंदोलन चल रहा था उसके समय वो जागरूकता निर्माण करने का काम करती थी। बाबा साहब जब विदेश में पढ़ने गए थे, रमाई और उनके बच्चों को देखभाल करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने वराड़े नामक अपने मित्र के हॉस्टल में उनकी व्यवस्था किया था। वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे रहते थे, वहीं हॉस्टल के सामने खेलते थे। एक दिन वो बच्चे खेलने नहीं आए। वराड़े जी को रमाई ने इसका कारण पूछा तो वराड़े जी ने बताया उनके खाने की व्यवस्था नहीं है, वो बच्चे सारे भूखे हैं। रमाबाई के पास सोने के 2 कंगन थे। वो कंगन बच्चों को खाना बनाने के लिए, सामान लाने के लिए वो बेचने को दिए। उसी समय से रमाबाई रमाई बन गई। जब बाबा साहब के जीवन में संघर्ष का समय था, उस समय बिना कोई शिकायत जीवन पालन किया। बाबा साहब और रमाई के 4 बच्चों का निधन बिना इलाज के हुआ था। रमाई हताश हो गई थी, फिर भी अपने साहब को विदेश से आधी पढ़ाई से वापस नहीं बुलाया। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब पता चली तो उनको बड़ा दुख हुआ। मगर उनके सामने 7 करोड़ अछूतों का और सभी बहुजनों का अधिकारों की लड़ाई थी, वो बड़ी चुनौती थी। जब बाबा साहब के परम मित्र संत गाड़गे बाबा कोकण में प्रवचन कर रहे थे, उनका घर विदर्भ में अमरावती जिले के दरापुर तहसील में था। उनके बच्चे का भी बिना इलाज के कारण निधन हुआ था। उसकी तार लेकर पोस्टमैन जहां गाड़गे बाबा प्रवचन कर रहे थे वहां जाकर गाड़गे बाबा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। गाड़गे बाबा ने पूछा, क्यों रो रहे हो? उस पोस्टमैन ने रोते रोते कहा, बाबा आपका बेटा मर गया है, उसकी तार आ गई। गाड़गे बाबा कुछ समय तक सुन्न हो गए, बाद में प्रवचन करने लगे और मराठी में कहा, ऐसे गेले कोट्या कोटी मी रडू एकासाठी, गोपाला गोपाला देवकनंदन गोपाला, यह कहकर अपने दुखों को दबा दिया। ऐसे तो करोड़ों बच्चे मरते हैं, मैं एक बेटे के लिए रो, ऐसा उन्होंने बड़े दिल से कह दिया। जब छोटा गंगाधर मरने के बाद उसे दफन करने के लिए रमाई के पास एक नया कपड़ा भी नहीं था,
छत्रपति शाहू महाराज ने जो अछूतों की परिषद थी, अछूतों को उनका नेता मिल गया, यह कहकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने सिर की नई पगड़ी दी थी। वही पगड़ी पहनकर वो अक्सर जाया करती थी। जब भी बाबा साहब अंबेडकर विदेश से आते थे और जब आते थे बाबा साहब, तो दूर होकर खड़ी रहती थी और अपने आंखों से वो उनको देखती थी। जब बाबा साहब अंबेडकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महाड़ के चौदार तड़ का आंदोलन चल रहा था, रमाई के घर में बड़े कठिन प्रसंग आते थे, फिर भी उन प्रसंगों का सामना स्वयं रमाई करती थी। रमाई की हालत दिनों दिन खराब होती रही, खाना छोड़ दिया, आखिर अपने साहब के आग्रह से दूध पीती थी। वो बीमारी के बीच का जीवन मरण का कश्मकश ज्यादा समय तक नहीं चली, आखिर मृत्यु की थी। उनका मृत्यु 27 मई 1935 को हुआ। मरने के पहले कभी कभी बाबा साहब अम्बेडकर को कहती थी, मुझे पंढरपुर को विठल के दर्शन लेने चलो। तो बाबा साहब अम्बेडकर रमाई को कहते थे, मैं तेरे लिए नया पंढरपुर बना रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जी ने नागपुर की दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 1956 को लाखों करोड़ों बौद्ध धर्म के लोगों के लिए नया पंढरपुर बनाया। उसके पहले ही रमाई इस भौतिक शरीर से निकल गई थी, उसने त्याग दिया था। डॉक्टर अंबेडकर अपने रामू को यानी रमाई को विदेश से खत लिखकर कहते थे, रामू तू मेरे जीवन की प्रेरणा हो, उसी वजह से मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ। रमाई के जन्म जयंती पर हम यही कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में अपने बहुजन समाज का आंदोलन कैसे चलाते रहे। फुले शाह अम्बेडकरवादी जो आंदोलन में काम कर रहे हैं और उस आंदोलन से दूर भागने वाले लोगों के लिए हमारे रमाई का और डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन से यही प्रेरणा मिल सकती है। धन्यवाद।